कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। इंडिया चाइना रिलेशनशिप के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था और इस वीडियो के माध्यम से हमने पृष्ठभूमि क्या थी इंडो चाइना की, उसके बारे में हमने समझने की कोशिश की। हमारे संबंध प्राचीन काल मध्य काल में कैसे रहे, आधुनिक काल 1950 के पहले कैसे रहे और उसके बाद में हमारे कैसे रहे, उसके बारे में हम पढ़ते पढ़ते हम 1996 तक के हमारे संबंध कैसे रहे, 1996 के बाद के संबंधों को हम देखने की कोशिश करेंगे। और आज के लेक्चर में कई सारी अलग अलग प्रकार की बातें रहेंगी जिसे हमें काउंटर करना है, जिसे हमें समझना है। तो 1996 के बाद से जो 1996 में भारत और चाइना के बीच में संबंध हुआ, उस संबंध के बाद में भारत और चाइना कहीं ना कहीं अपने व्यापारिक संबंध को बढ़ाना शुरू कर दी और व्यापारिक संबंध को बढ़ाने के कारण इसके बाद में चाइना अपने भारत के साथ में संबंधों को दो रूपों में देखने के से देखता था। चाइना व्यापारिक संबंध को अलग पृष्ठभूमि में रखता है, उसके लिए अलग प्रकार से बात करने की बात करता है और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके लिए अलग प्रकार से बात करेंगे। और यही कारण रहा कि वो लगातार व्यापार के ऊपर ज्यादा जोर देते रहा और व्यापार के ऊपर ज्यादा जोर देते हुए उसके द्वारा अपने मेड इन चाइना प्रोजेक्ट को वो हमेशा टाइटल करने की कोशिश करते रहा, हमेशा उसे प्रोजेक्ट करने, हमेशा उसे बढ़ाने। और भारत भी उस समय में कई सारी कंडीशनों में फंसा हुआ था। 1991 में हमारे यहाँ पर रिफॉर्म किया गया था, एलपीजी को हमने अपनाया था। एलपीजी को अपनाने के कारण लगातार कई सारे क्षेत्रों में रिफॉर्म किया गया। एलपीजी को अपनाया तो औद्योगिक क्षेत्र में रिफॉर्म किया गया, लाइसेंसिंग पद्धति को कहीं ना कहीं समाप्त किया गया, बैंकिंग सेक्टर में नरसिम्हा समिति के माध्यम से रिफॉर्म किया गया। तो वहीं WTO की जो स्थापना के पूर्व बात को ध्यान में रखकर कृषि के क्षेत्र में भी रिफॉर्म करने की बात की गई। तो वहीं पर आपको एक और रिफॉर्म दिखा होगा जो स्थानीय सरकार को लेकर था, 73वें और 74वें संविधान संशोधन की तरफ। तो भारत भी चाह रहा था कि जो ग्रोथ रेट हमारी पूर्व में रुकी थी उस ग्रोथ रेट को प्राप्त करना है, तो तनाव के मध्य इस ग्रोथ रेट को प्राप्त नहीं किया जा सकता और इसलिए दोनों के मध्य में विश्वास बहाली करना बहुत अधिक आवश्यक था। इसलिए 1996 के समझौते के बाद में चाइना और भारत ने अपने संबंध को दो अलग दृष्टि से देखना शुरू किया, सीमा विवाद को अलग दृष्टि से और व्यापारिक विवाद को अलग दृष्टि से। ये चाइना की अप्रोच थी, हम भी उसमें कहीं ना कहीं मानने लगे। और यही कारण है कि 1996 में जो समझौता हुआ उस समझौते के बाद में 2002 के करीब करीब अटल बिहारी वाजपेयी ने भी चाइना के साथ में संबंध अपने संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की कोशिश की। और आप सभी को पता है कि 1995 में WTO की हो गई थी स्थापना। किसकी हो गई थी बेटा ये स्थापना? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य पूरे विश्व में व्यापार जो होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच में, वो व्यापार विभेदकारी ना हो। और इसीलिए WTO की स्थापना हुई थी, जो गेट का एक वृहद रूप था। और जो गेट बना था 1948 के करीब करीब, जिसका बनाने का उद्देश्य था कि भैया जो व्यापार हो रहा है वो विभेदकारी ना हो, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके पीछे अंतर्निहित अगर कई कारण थे तो कई कारणों में एक कारण था विभेदकारी ब्याज, विभेदकारी व्यापार की दर, विभेदकारी आयात शुल्क लगाना। एक देश से दूसरे देश में अगर किसी वस्तु को निर्यात किया जा रहा है, आयात किया जा रहा है, तो उसके ऊपर बहुत अधिक मात्रा में आयात शुल्क या निर्यात शुल्क लगाया जाना। ये बात को ध्यान में रखकर WTO की स्थापना की गई और ये WTO की स्थापना गेट के बड़े रूप में हुई। 1995 में गेट बना और ये गेट बनने के बाद में भारत के लिए एक प्रश्न उठा कि भैया यदि गेट बन जाएगा और WTO जो गेट का छोटा बच्चा था, बड़ा बच्चा है, वो बन जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से भारत को अपने देश के मार्केट को विश्व के मार्केट के साथ खोलना पड़ेगा। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पर अपने मार्केट को विश्व के मार्केट के लिए खोलना पड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से अमेरिका जैसे देश में जो एक डेवलप कंट्री है वहां पर उत्पादित होने वाली वस्तु की कीमत
खासकर कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक कम है, भारत में बहुत अधिक ज्यादा है। और भारत में बहुत अधिक ज्यादा होने का कारण है कि भारत में जो खेती है वो बहुत छोटे 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 टुकड़ों में बटी पड़ी है। इसके कारण पर हेक्टर जो लागत रहती है वो भारत में ज्यादा होती है, और जब लागत भी ज्यादा होती है तो स्वाभाविक रूप से बनने वाली वस्तु की कीमत भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और इस बात को ध्यान में रखकर भारत के लिए अब ये पेशोपेश वाली कंडीशन बन गई कि यदि हम WTO की बातों को मानेंगे और अपने मार्केट को विश्व के मार्केट के लिए खोलेंगे तो भारत की जो उत्पादित वस्तु है वो बाहर से आने वाली वस्तु से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी, और सभी जो भारतीय लोग हैं चाहे वो भारत से कितना भी प्रेम करेंगे वो सस्ती वस्तु के प्रति आकर्षित होगी ही होगी। इसके कारण किसानों को नुकसान होगा। और इसी बात को ध्यान में रखकर भारत ने WTO में हमेशा अपनी बातों को रखना शुरू किया कि हम विकासशील देश है, भारत में गरीबी है, भुखमरी है, कुपोषण का स्तर ज्यादा है, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ राहत दिया जाए। पर भारत अगर ये बात अकेले बोलता तो स्वाभाविक रूप से पूरे विश्व के जो जितने डेवलप कंट्री है वो कहीं ना कहीं बातों को दरकिनार कर देते। पर अगर भारत के साथ में चाइना, उस समय में चाइना भी डेवलप कर रहा था और चाइना में भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी कहीं ना कहीं व्याप्त थी, और उसको भी कहीं ना कहीं WTO से कहीं ना कहीं आवश्यक था कि वो इसमें कहीं ना कहीं क्या प्राप्त करे, कंसेशन प्राप्त करे। और इसलिए दोनों के बीच में इस बात को लेकर सुलह बनी, और वर्तमान में भी यह सुलह है कि भारत और चाइना मिलकर अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्री आती है, जो विकसित डेवलप कंट्री आती है, उनकी बातों को काउंटर करें। तो इसलिए कहा जाता है इंटरनेशनल अफेयर में कभी भी कोई किसी का दोस्त नहीं होता, हम हमेशा, और ना ही कभी दुश्मन होता है। और ये भी ध्यान में रखना है कि कूटनीति में कभी भावनात्मकता को नहीं जोड़ा जाता। ये दो बातें अगर ध्यान में रखेंगे तो भारत के विषय में और कूटनीति, इंटरनेशनल अफेयर के विषय में आपको जानकारी होती जाएगी। और यही कारण रहा कि 1996 के बाद में हमने चाइना को व्यापारिक मित्र बनाने की कोशिश की और लगातार लिबरल नेचर हमने अपनाया। 2014 तक के जो लिबरल नेचर हमने अपनाया उसके कारण हमने कभी भी चाइना को दुखी करने की कोशिश नहीं की, और इसलिए हमने बहुत सारी जगह पर जो सीमावर्ती क्षेत्र थे वहां पर रूट बनाने के कार्य जो 2000 से ही शुरू हो जाने थे वे हमने रोक कर रखे। और रोक कर जब रखे तो जैसे ही 2014 में नई गवर्नमेंट आई, डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। जो भारतमाला परियोजना जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत होकर पूरी 15,000 किलोमीटर की सीमावर्ती क्षेत्र में जो रोड बनाने की बात हुई थी, उस रोड बनाने का कार्य शुरू हुआ 2014 के बाद में, और तेजी से हुआ क्योंकि भारत को ये आवश्यक है कि भारत में उत्पादित होने वाली वस्तु की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो बनती है वस्तु, वो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहता है, परंतु एक जगह से दूसरी जगह जब ले जाया जाता है तो उस वस्तु की कीमत में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली वस्तु की जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज रहता है वो भी जुड़ जाता है, उसे कहा जाता है लॉजिस्टिक कॉस्ट। और भारत को ये लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है, इसलिए भारत सागरमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना, चतुर्भुज जो पूरे के पूरे क्या किया गया, उन्होंने पूरे चार प्रमुख शहरों को जोड़ने की कोशिश की। साथ में अभी आपको दिखाया जाए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये जो बनाने का उद्देश्य, जल मार्ग बनाने का उद्देश्य क्यों बनाया जा रहा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना। पर भारतमाला परियोजना का बनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था बेटा, कि हम अपने सीमावर्ती क्षेत्र में डेवलपमेंट ज्यादा करें ताकि उस सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों में भारत के प्रति हमेशा सकारात्मकता रहे, वो भारत की पहुंच हमेशा उस सीमावर्ती क्षेत्र में किसी भी कंडीशन में हो। और इस बात को ध्यान में रखकर हमने 2014 के बाद में लगातार उस क्षेत्र में क्या किया, काम करने की कोशिश की। और इसी क्षेत्र में हमने क्या किया कि उस सीमावर्ती क्षेत्र में, लद्दाख के क्षेत्र में भी हमने क्या किया, काम करने की कोशिश की। सियाचिन, सॉरी, सिक्किम के क्षेत्र में भी काम करने की कोशिश की, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में भी, और खासकर जो ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र की जो जो सहायक नदी है उन नदियों पर भी हमने बड़े बड़े ब्रिजेस के बनाने की बात को कहीं ना कहीं अमल में लाया, जो 200 साल से कहीं ना कहीं लटकी पड़ी थी। ये बातें कहीं ना कहीं चीन को खटक गई, क्योंकि यदि हम डेवलपमेंट करेंगे तो स्वाभाविक रूप से
हमारी पहुंच सीमावर्ती क्षेत्र तक के होगी, और सीमावर्ती क्षेत्र तक के होगी तो कहीं ना कहीं यदि कभी भी डिस्प्यूट आता है तो भारत को अपनी सेना को वहां तक के पहुंचाने में कम से कम समय लगेगा, और जब कम से कम समय लगेगा तो कहीं ना कहीं भारत और चाइना के बीच में वॉर की कंडीशन में या किसी भी प्रकार के छोटे मोटे डिस्प्यूट की कंडीशन में भारत उसी प्रकार से मुकाबला कर पाएगा जिस प्रकार से भारत एक सामने आमने सामने सामने की सेना के समय में जब एक मैदानी इलाके में हो सकता है उस प्रकार से ही भारत मुकाबला कर। ये बातें कहीं ना कहीं चाइना को खटकते चली गई, और यही कारण रहा कि चाइना ने 2014 के बाद में सिक्किम के क्षेत्र में, 2017 में उन्होंने डिस्प्यूट लाने की कोशिश की, 78 दिनों तक के आमने सामने की कंडीशन रही। आमने सामने की जब कंडीशन रही तो 78 दिन के बाद में वो कहीं ना कहीं कंडीशन सॉल्व हुई और चाइना को पीछे हटना पड़ा। ऐसा ही कुछ कंडीशन वर्तमान में दो जगह पर बनी। ये दो जगह पर जो कंडीशन बनी, एक बनी पेंग्यांग लो लेक पर और एक बनी जो सिंध नदी है, सिंध नदी की सहायक नदी श्योक नदी और उसकी जो एक सहायक नदी गालवन घाटी उसके ऊपर बनी। ये बहुत सकरा सा इलाका है, और इस सकरे से इलाके का बहुत अधिक महत्व है। दुनिया का सबसे कठिन रण क्षेत्रों में इसको जाना जाता है। तो आपको डायग्राम के माध्यम से बनाने की कोशिश करते हैं कि ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है अस्काई चीन, जिसे 1962 के युद्ध में चाइना के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश की, और इसके ऊपर उन्होंने अनाधिकृत रूप से यहाँ पर अधिकार जमा के रखा। तो यहाँ पर आपको एक नदी दिखाई देगी जिसे कहते हैं सिंध नदी, और सिंध नदी की एक सहायक नदी श्योक और उसी की सहायक नदी गलवान, और इस गलवान घाटी का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि जो लेह है और लेह से लेकर काराकोरम तक के, जो काराकोरम कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र में है बेटा, इस साइड पाकिस्तान है और इस साइड कहीं ना कहीं कौन सा क्षेत्र है, सियाचिन का क्षेत्र, और इस क्षेत्र पर बैठकर, इस चोटी पर बैठकर भारत दोनों ही क्षेत्रों का क्या कर सकता है, निगरानी कर सकता है। और निगरानी करने के कारण हमारे लिए सियाचिन ग्लेशियर और साथ में काराकोरम दर्रा के पास का क्षेत्र बहुत अधिक स्ट्रेटेजिकली बहुत अधिक महत्वपूर्ण। पर बात यह थी कि इस क्षेत्र तक के पहुंचने के लिए हमें लगातार वायु सेना के माध्यम से, वायु जो हेलीकॉप्टर रहते हैं उनके माध्यम की ही आवश्यकता रहती है। अन्य क्षेत्रों अन्य मार्गों से हम यहां तक के पहुंच नहीं सकते क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी नहीं थी। पर सरकार के द्वारा एक ब्रॉड स्टेप लिया गया, सुरंगों के माध्यम से इन क्षेत्रों तक की सीधी पहुंच बनाने की कोशिश की। लगभग लगभग 270 किलोमीटर की यह सड़क बनाने की बात की गई, और इस सड़क का लगभग लगभग काम 90% से ज्यादा हो चुका है। और ये सड़क अगर बनेगी तो ये जितना भी अस्काई चीन का क्षेत्र है ये सीमा होते होते जाएंगी, जिसके कारण क्या होगा कि भारत की पहुंच अस्काई चीन के सीमावर्ती क्षेत्र तक के हो जाएंगे, और यही चाइना नहीं चाहता। चाइना को ये डर लगता है कि भैया अगर यहां तक के पहुंच बन गई तो मतलब हमेशा फेस ऑफ की कंडीशन बनी रहेगी, और इसी बात को ध्यान में रखकर उसने डिस्प्यूट उठाना शुरू किया। और वो गलवान क्षेत्र पर इसलिए जाना चाहता है क्योंकि गलवान क्षेत्र जो घाटी क्षेत्र है उसके ऊपर कुछ ऐसे स्पॉट है जहां से इन पूरे मार्ग पर कहीं ना कहीं क्या रखी जा सकती है, नजर रखी जा सकती है। जैसे उदाहरण देकर आपको बताते हैं, कारगिल पर अधिकार जमाने का पाकिस्तानियों का उद्देश्य जो था वो लेह लद्दाख के मार्ग को कहीं ना कहीं बाधित करना, जो कहां तक आती थी, काराकोरम सियाचिन ग्लेशियर तक आती थी। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट आता है गलवान घाटी के क्षेत्र में, और गलवान घाटी के क्षेत्र में अगर ये पॉइंट पर चाइना का अधिकार हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से भले हम दौलत बेग गोल्डी रोड को बना दे, हमारी वहां तक के पहुंच सुनिश्चित हो, परंतु अगर युद्ध होता है तो उस कंडीशन में हमारा इस क्षेत्र पर से कहीं ना कहीं जो संपर्क रहेगा वो युद्ध की कंडीशन में टूटने की संभावना रहेगी, और इसलिए भारत सरकार लगातार इस क्षेत्र से पीछे हटने की बात कर रही और कह रही कि जो आपकी पूर्व की स्थिति थी उस स्थिति पर आप जाइए और उसी स्थिति पर आप रहिए। ये डिस्प्यूट है। आया समझ में क्यों कारण थे? अब बात हमें समझ में यहां आनी चाहिए कि
भारत और चाइना को इस क्षेत्र को पर अधिकार जमाने हैं। पर हमें ये भी ध्यान में रखना है कि मैंने आपको लेक्चर में बता दी कि कहाँ कहाँ पर भारत के अच्छे संबंध है चाइना के साथ में, किस मुद्दे पर, तो हमने वहां बता दिया, और डिस्प्यूट कहाँ पर है वो कहानी में ही हो गया। पर हमें अब भारत को काउंटर करना है, भारत को काउंटर करना है किसे, चाइना को। अब चाइना को काउंटर करना है तो चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना भी भारत को काउंटर करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है, तो आपके सामने कई सारे मुद्दे रहेंगे, मुद्दे जो किसके लिए है, चाइना को काउंटर करने के लिए, मतलब उसे कहीं ना कहीं विश्व में लज्जित करने के लिए, उसकी दबी हुई नस पर, उसकी गले की गर्दन पर हाथ पकड़ने के लिए। वो कौन कौन से मुद्दे हैं? तो सबसे पहला मुद्दा है दक्षिण चाइना सी, पहला मुद्दा आपको मैं एक एक करके समझाऊंगा। दूसरा मुद्दा वियतनाम और फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देना, ठीक है। दूसरा शिनजियांग क्षेत्र के उइगर मुसलमानों का मुद्दा उठाना। तीसरा हांगकांग और ताइवान के साथ अलग संबंधों पर तरजीह देना, आरएस में। चौथा दलाई लामा को और अधिक प्रोजेक्ट करना। एक और क्वाड में सक्रिय भूमिका निभाना, और अमेरिका के साथ संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करना। कई सारे मुद्दे हैं, आप याद रखिए, चाइना को काउंटर करना है तो हमारे पास कई सारे मुद्दे, वो भी हमें कई सारे मुद्दों को काउंटर कर सकता है। एक और मुद्दा दक्षिण उत्तर कॉरिडोर के माध्यम से सिल्क रूट का विकल्प बनाना। और एक और अफ्रीका में, यहां तक क्या गया बेटा समझ में? अब एक और लिखिए, अफ्रीका में जापान के सहयोग से विकास कार्य को आगे बढ़ाना। ये सभी मुद्दे चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे पास में उपस्थित है, जो नॉन मिलिट्री एक्शन है, मतलब युद्ध करना ही जरूरी नहीं कि भैया युद्ध करेंगे तो ही चाइना मानेगा। बिना युद्ध किए भी चाइना की कई सारी बातों पर हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उसको घुटनों पर ला सकते हैं। चाइना एक व्यापारिक देश, नो डाउट, और उसके व्यापार को ही यदि हम कम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जब व्यापार कम होगा तो उसका फॉरेन करेंसी जो उसके पास में स्टॉक बना हुआ है, लगभग लगभग 1500 अरब बिलियन डॉलर का उसका जो बना पड़ा है, वो जब कम होगा तो उसकी आर्थिक शक्ति कम होगी, और जब आर्थिक शक्ति कम होगी तो कहीं ना कहीं उसकी सैन्य शक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब हमें क्या करना चाहिए, नॉन मिलिट्री एक्शन में हमें ये काम करना चाहिए। दक्षिण चाइना सी पे भारत कभी भी खुलकर आकर नहीं बोलता है, केवल इतनी बात कहता है कि दक्षिण चाइना सी जो क्षेत्र है वो दुनिया में खुला हुआ होना चाहिए, किसी भी एक देश के अधिपत्य यदि होगा तो विश्व का 80% होने वाला व्यापार कहीं ना कहीं बाधित होगा, तो उसे खुला होना चाहिए। भारत जो अभी तक के खुल के नहीं बोलता था, यदि खुल के बोलेगा तो स्वाभाविक रूप से भारत का यहां पर कुछ कोई स्टैंड वियतनाम
फिलीपींस, ब्रुनेई जैसे जो देश है, बरुंडी जैसे जो देश है, उन देशों को कहीं ना कहीं बल देगा। और जब ये बल देगा तो स्वाभाविक रूप से भारत की जो एक कंपनी जो ONGC है, जो चाहती कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ की उपस्थिति का शोध करूं और यहां से मैं उत्पादन करूं, तो कहीं ना कहीं भारत जब ऐसे काम करेगा तो कहीं ना कहीं चाइना को हम दबा पाएंगे। दूसरी बात, वियतनाम और फिलीपींस दोनों के ही संबंध दक्षिण चाइना सी के ऊपर अधिकार को लेकर चाइना के साथ में बेकार है, और वियतनाम और फिलीपींस के संबंध जब चाइना के साथ में बेकार है तो चाइना के उस बेकार संबंध वाले जो देश है उनके साथ हम अच्छे संबंध बना सकते हैं, और वियतनाम और फिलीपींस के साथ में हमारे एवरग्रीन संबंध रहे। तो स्वाभाविक रूप से इन दोनों देशों को हम ब्रह्मोस मिसाइल जिनकी वो डिमांड कर रहे हैं यदि हम बेचते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम उसे एक नए फ्रंट को खोलने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं। शिंजियांग प्रांत पे उइगर मुसलमानों का मुद्दा, ये उइगर मुसलमानों के मुद्दे को हम विश्व पटल पर यदि उठाएंगे तो स्वाभाविक रूप से मानवाधिकार आयोग के दबाव में कहीं ना कहीं चाइना को आना पड़ेगा, चाइना की छवि धूमिल होगी, वो दबेगा। हांगकांग के मुद्दे और ताइवान के मुद्दे को लेकर हम कह सकते हैं, ताइवान के साथ यदि हम अलग संबंध बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से चाइना कहीं ना कहीं काउंटर होगा। वर्तमान में जो वहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लेकर आए वो भी कहीं ना कहीं यदि हम पक्ष लेते हैं तो चाइना कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बैकफुट पर आएगा, क्योंकि विश्व में हर दिन जितने भी वेस्टर्न कंट्री है वो चाइना को कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर घेरने की बात बोली है। और हाल फिलहाल में ब्रिटेन के द्वारा कहा गया है कि यदि आप हमारी बातों को नहीं मानते तो हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे, तो मतलब हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं। दलाई लामा के मुद्दे पर हम दलाई लामा को प्रोजेक्ट किया कर सकते हैं, दलाई लामा को तिब्बत के ऊपर अधिकार करने वाला धर्म गुरु के शासन के रूप में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और जब प्रोजेक्ट करेंगे तो स्वाभाविक रूप से तिब्बत में क्या होगा, टेंशन बढ़ेगा, तो हम यहाँ पर भी कई सारे काम कर सकते हैं। क्वाइड के क्षेत्र में चार देश आते हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, तो भारत इसमें सक्रिय भूमिका निभाकर वो लगातार इस क्षेत्र के इस प्रमुख शक्तियों के माध्यम से पूरे के पूरे इंडियन ओशन और जो पैसिफिक ओशन आता है प्रशांत ओशन, वो दोनों ओशन में अपनी अपनी भूमिका को बढ़ाकर चाइना को काउंटर कर सकता है। अब ये बात हुई भैया चाइना को, हम वो चाइना हमें काउंटर कर सकते, हम उसे काउंटर कर सकते हैं, पर चाइना हमें कहां कहां पर काउंटर कर सकता है ये बात भी हमें पता रहनी चाहिए। जब हमें ये बात पता हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हमें अपने कुछ कमियां भी पता हो जाएगी। तो आप सभी को पता है कि हमें चाइना कहां कहां पर काउंटर कर सकता है, तो कुछ मुद्दे पर आपको पता है, कुछ मुद्दे पर अभी आपको नहीं पता है। एक मुद्दा आपसे छूट गया, वो मुद्दा मैं अभी आपको बता देता हूं जो चाइना को हम काउंटर कर सकते हैं, सिल्क रोड वाला। आपको एक बंदरगाह पता है बेटा, उसका नाम है ग्वादर, और एक बंदरगाह पता है जिसका नाम है चाबहार। चाबहार का ऊपर ईरान का अधिकार है, ग्वादर के ऊपर अधिकार है पाकिस्तान का, और ये ग्वादर बंदरगाह जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं पॉइंट है, जो पूरे अफ्रीका पूरे के पूरे उत्तरी अफ्रीका और पूरे के पूरे यूरोप के साथ होने वाले व्यापार का एक प्रमुख मार्ग रहेगा। भारत के लिए एक सुनहरा मौका है कि भारत का एक पोर्ट है जिसका नाम है कांडला, जो कच्छ की खाड़ी में आपको दिखाई देगा, और उस पोर्ट के माध्यम से यदि भारत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं सफल होता है और कम कीमत पर वस्तु को बनाता है, तो उसके लिए एक और चीज जरूरी रहेगा कि वो अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करे, और लॉजिस्टिक कॉस्ट तभी कम होगी जब वो अपनी वस्तु को द्रुत गति से कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्र तक के कम कीमत में पहुंचा। तो भारत के लिए एक मार्ग माना गया है, वो मार्ग है कांडला में सब वस्तु, और जो नवी मुंबई के क्षेत्र में जो नया पोर्ट बना है, इन दो पोर्टों का उपयोग करते हैं चाबहार में हम वस्तु को पहुंचाएंगे, और चाबहार से
अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से होते हुए रूस, और रूस होते हुए मॉस्को, और मॉस्को से बेलारूस, बेलारूस से होते हुए पोलैंड, जर्मनी होते हुए हमने एक सिल्क रूट को काउंटर करने के लिए हमने एक मार्ग बनाने की कोशिश की। अब ये ठंडे बस्ते में, यदि हम इसके ऊपर काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से चाइना को हम आर्थिक रूप से इस मोर्चे पर भी हम क्या कर सकते, काउंटर कर सकते। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। भारत ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके रखी है चाबहार पोर्ट पर, तो आप ये चाबहार पोर्ट याद रखिएगा, बहुत अधिक मुद्दों पर रहता है। हम सन 2002 से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, अभी भी काम थोड़ा सा बाकी है। कारण क्या है, कभी इंडिया चाइना और ईरान रिलेशनशिप पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, पर अब हम ये देखते हैं कि चाइना हमें कहां कहां पर काउंटर कर सकते हैं। छोटे से पहली बात यह है, पाकिस्तान के मुद्दे को उठाकर, नेपाल के मुद्दे को उठाकर, पाकिस्तान और नेपाल के मुद्दा, क्योंकि पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी है। दूसरी बात याद रखिएगा, म्यांमार के साथ में अधिक डेवलपमेंट करके उस मुद्दे को उठाकर, बांग्लादेश को बहुत अधिक रियायत देकर वहां पर मुद्दे को उठा सकता है, और साथ में क्या कर सकता है, जो वर्तमान में श्रीलंका देश है उसके हम्बन टोटा पोर्ट का, जहां पर उसे ये पोर्ट 90 वर्ष के लिए मिला है और सैन्य गतिविधियों को करने की छूट मिली है, तो कहीं ना कहीं इस पोर्ट का वो यूज कर सकता है, यहां वो काउंटर कर सकता है। साथ में हमें कहां काउंटर कर सकता है, मालदीव का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के कई सारे जो द्वीप है उसे मालदीव सरकार के द्वारा चाइना को बेच दिए गए, जिसका उपयोग भी वो कर सकते हैं, तो वो हमें घेर सकता है। तो हमें क्या चाहिए करना चाहिए कि हमें अपनी पूरी की पूरी जो सीमा है उसे नौसैनिक शक्ति को बढ़ाकर उसकी सुरक्षा को ज्यादा करना चाहिए। इसलिए जो हमारा विक्रमादित्य, जो हमारा पोत है, उसके जैसे हमें दो और कहीं ना कहीं विमान वाहक पोतों की क्या है आवश्यकता है। तो हम विशाल बना रहे हैं और विराट का हम निर्माण कर रहे हैं। ये दो जब बन जाएंगे तो पूरे के पूरे हिंद महासागर में हमारी गश्ती बढ़ जाएगी। हमें उसकी जगह पर छोटी छोटी और पोतों की आवश्यकता रहेगी, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। साथ में हमारे पास आवश्यक है कि हम परमाणु ऊर्जा से लैस पनडुब्बियों का निर्माण करें, इसलिए अरिहंत का हम निर्माण कर चुके हैं। अरिहंत के साथ में हम अन्य पनडुब्बियों का भी निर्माण कर रहे हैं। साथ में हमारे पास में जो परमाणु ऊर्जा से लैस नहीं हो परंतु वो डीजल इंजन से चलने वाली पनडुब्बियां, हम उसका भी निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस की सहायता से हमने 6 पनडुब्बियों का हमने क्या किया, समझौता किया, 4 बन चुकी है और 2 बन जाएंगी, हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। वायुसेना के लिए काम करने के लिए हमने अभी राफेल को खरीदा है, आगे और भी खरीदने की बात रहेगी। साथ में हमने तेजस जैसे विमान को भी क्या किया है, वायुसेना में भर्ती कर दिया। मतलब हम सैन्य शक्ति से भी अपने आप को चाइना से कहीं ना कहीं मुठभेड़ की स्थिति में एक अच्छी कंडीशन में लाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ मुद्दे थे चाइना को लेकर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।